बुधवार सारा राज्य 15टी पुरसभाय एकजोगे तल्लाशी अभियान चालिয়েছে सीबीआई। पुरसभा नियोग दुर्नीतिर मामला सुप्रीम कोर्टे विचाराधीन। ता सत्त्वेও विचारपति গঙ্গোপাধ্যায়ের 21 एप्रिलेर निर्देशके चैलेंज करे डिविशन बेंचे मामला राज्येर। मामला चलार माझपथेई इडी आईनजीबीर काछ थेके एई तथ्य जानते पेरे क्षुब्ध कलकाता हाईकोर्टेर विचारपति तपव्रत चक्रवर्ती एबं विचारपति पार्थ सारथी चट्टोपाध्यायेर डिविशन बेंच। आदालत राज्येर काछे जानते चाय केन आदालतेर समय नष्ट करा हलो। सुप्रीम संक्रांत मामलार विषय की सिद्धांत नेबे राज्य। एदिन मामलार शुनानीते राज्येर आईनजीवी कल्याण बंदोपाध्याय बोलेन, विचारपति अभिजित गঙ্গোপাধ্যায়ের पुरसभा संक्रांत मामला शोनार बा एई संक्रांत निर्देश देवार कोनो एक्तियार नेই। इडी एई मामलाय पार्टी पर्यन्त नय, प्राथमिकेर मामला थेके पुरो नियोगेर मामलाय सीबीआई तदंतेर निर्देश किभाबे सम्भव। विचारपति बोलेन, अयनशील एई विषये कमन। से क्षेत्रे जदिओ कोनो अन्य मामलार क्षेत्रे कोनो नतून दुर्नीतिर गन्ध आसे, सेखान थेके सिद्धांत निले असुविधे कोथाय। आर्थिक दुर्नीति जे होयेछे एटा अस्वीकार करार किछु नेই। राज्येर आईनजीवी कल्याण बंदोपाध्याय बोलेन, आर आर्थिक लेनदेनेर प्रश्न जदि आसे ताहले सेटा तो आलादा मामला होवार कथा। किन्तु अभिजित गঙ্গোপাধ্যায়ের कोनो इख्तियार नेই जे कोनो दुर्नीतिर खबर पेलेई सीबीआई बा इडी के तार तदंत भार दिये देबे। चाकरी प्रार्थीदेर आईनजीवी विकास रंजन भट्टाचार्य बोलेन, एई मामलार उत्पत्ति होयेछे प्राथमिक शिक्षक नियोग दुर्नीतिर तदंत करते गिये। तारपरेई অয়নশীলের नाम उठे एले चलती बछरेर 18 मार्च इडिर हाते ग्रेप्तार हय অয়নশীল। सुप्रीम कोर्टेर निर्देशे मानिकेर रक्षा कवच थाका सत्त्वेও आर्थिक लेनदेनेर प्रमाण पेये इडी ताके ग्रेप्तार करे। एक्षेत्रेও शिक्षक नियोगेर जोगसूत्र पुरो नियोगे आर्थिक दुर्नीतिर प्रमाण पेयेई एई निर्देश देवा हयेछे। अवश्यई एई मामलाय इडी पार्टी छिलो एबं आबार नतून एफआईआर करे मामलार तदंत शुरू करेछे। इडी आईनजीवी धीरज त्रिवेदी बोलेन, हाँ आमरा एई मामलारই अंश। 21 एप्रिल अभिजित गঙ্গোপাধ্যায়ের निर्देश पुनर्विवेचनार आवेदनेर निर्देश दियेछिल सुप्रीम कोर्ट, किन्तु एई मामलार निर्देशके चैलेंज करते बोलेनि। सुप्रीम कोर्टे मामला विचाराधीन थाका सत्त्वेও एखाने एरा चैलेंज करছেন। 3রা জুলাই मामला रयेছে सुप्रीम कोर्टे। विचारपति बोलेन, आमरा ताहले गत 5 घंटा धरे शुनानी करे शुधु शुधु समय नष्ट करलाम, आर आवेदनकारी आमादेर विषयटा जानालेन ना। सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लिव पिटिशनेও दायर করেছিল তো রাজ্যই। হয় সুপ্রিম কোর্টের ওই মামলা তুলে নিন অথবা নিষ্পত্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আগামী সোমবারের মধ্যে জানান সুপ্রিম কোর্টের এসএলপির বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য। সব মিলিয়ে একটা বিষয় যেন স্পষ্ট, রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার পুরসভা দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তৎপরতায় রীতিমতো অস্বস্তির মুখে রাজ্য। তাই রাজ্যের পক্ষেই সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন থাকা সত্ত্বেও বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য। আইনি প্রক্রিয়া মেনে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একের পর এক নির্দেশ যে ক্রমশ রাজ্যের পক্ষে অস্বস্তির কাঁটা হয়ে উঠছে তা বলাই বাহুল্য। অভিরূপা হজরার রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।